नमस्कार, आज अपने बनाने जा रहे हैं बाखरवड़ी। ये गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस डिश है। ये देखो बनने में कितनी अच्छी लगी है और ये खाने में कुरकुरी है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो और चाय के साथ और बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हो। बाखरवड़ी के लिए अपने पहले बेसन का आटा गूंदेंगे। मैंने 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, 7-8 काली मिर्च, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच किचन किंग, 2 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा भी ले सकते हैं। सभी चीजों को अपने मिक्सी में मिक्स करेंगे। देखो ये सभी मसाले अपने मिक्सी में मिक्स कर लिए। अब इन्हीं मसालों में अपने ये कटोरी वाला बेसन मिक्स कर देंगे। अब हम हल्का सा मिक्सी को चला लो जिससे बेसन में ये पूरे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखो ये सभी मसाले मिक्स बेसन में अच्छी तरह मिक्स हो गए। हमने 1-2 बार मिक्सी को घुमाया और मसाले मिक्स हो गए। अब इसको अपने आटा नरम सा आटा गूंद के 20 मिनट के लिए रख देंगे। देखो मोन के लिए इसमें अपने तेल डालेंगे। अगर इसमें अपने मोन अच्छा डाल देंगे जो अपनी बाखरवड़ी है वो सॉफ्ट बनेगी। और देखो बाखरवड़ी बनाने का तरीका बिल्कुल ईजी है। इसमें मैंने 3 टीस्पून तेल डाल दिया। अब इसको अपने हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मोन को ऐसे से, फिर इसको पानी से गूंथ लेंगे। अब मोन ऐसा होना चाहिए जो अपने ये है ऐसे हल्का सा आटा जुड़ने लग जाए बेसन का। अगर आपको थोड़ा सा मोन पे कम लगे आप 1 टीस्पून और डाल सकते हैं। अब इसको अपने गूंथ के 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, पानी धीरे धीरे करके थोड़ा सा पानी डालो। अब ये अपने बेसन का आटा गूंद लिया। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छी तरह 20 मिनट के लिए एक कटोरी में 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब ये एक कटोरी मैदा इसी में डालते हैं। अब मैदे का आटा गूंदेंगे। इसमें 1/4 हिस्सा नमक डाल देंगे और इसी में उसी तरह मोन डालेंगे। इसमें अपने 4 चम्मच मोन को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखो ये आटा गूंद लिया। आटे को ज्यादा टाइट नहीं करना, ऐसे नरम से रखना है। और इसको भी अपने 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब 1 चम्मच तेल ले लेंगे, इसको अच्छी तरह। अब इसको भी ऐसे इसको 20 मिनट के लिए ढक के, देखो आटे को गूंदने को अपने 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए। अब अपने इसके छोटे छोटे लोइए बनाएंगे। ये बेसन का आटा है। देखो अपने ऐसे छोटे छोटे लोइए बना लेंगे। इसको गूंदो। ये अपने बेसन के लोइए तैयार हो गए तरह मैदे के आटे के। ऐसे 4 भागों में बराबर। देखो ये अपने लोइए तैयार होंगे। अब अपने इसको रोटी की तरह बेलेंगे और चकली पे हल्का सा तेल डालेंगे जिससे क्या ये अपनी रोटी चिपके ना। अब ऐसे इसके ऊपर ये लोइया लेंगे, दबा देंगे। इसके ऊपर ही अपने जो बेसन का लोइया बनाया है इसके ऊपर ये दबा देंगे। अब इनको दोनों को ऐसे रोटी की तरह रोटी ऐसी बनानी है जैसे अपने रोटी होती है परांठे की। ज्यादा मोटी नहीं बनानी, ज्यादा पतली नहीं, ऐसे बेलनी।
देखो इसके साइड में मोटे किनारे हैं, अपने इसको चाकू से ऐसे गोलाई की शेप से हटा देंगे। देखो ये किनारे मोटे थे इसलिए मैंने इनको हटा दिया ऐसे। अब इसको अपने धीरे धीरे एक ऐसे धीरे धीरे दोनों हाथों के साथ हल्का हल्का दबाते हुए ऐसे रोल बनाएंगे, हल्का हल्का दबाते हुए ऐसे। फिर इस रोल को ऐसे प्रेस करने हो, अब साइड में ऐसे जरा सा इसको काट लेंगे दोनों साइड। अब ऐसे बराबर सभी के पीस कर लेंगे। अब ये अपने पास ऐसे इसको आप, अब इनको आप हाथ से हल्का सा ऐसे प्रेस कर दो। ये देखो बाखड़ बड़ी कितनी सुंदर लग रही है, इसको अब फ्राई करेंगे और भी बढ़िया लगेगी। देखो अपने कढ़ाई में तेल डाल लिया, ये तेल गर्म हो गया। अब अपने चेक करते हैं तेल गर्म हो या नहीं। ये देखो तेल अपना बिल्कुल गर्म हो गया, चेक कर लिए। अब अपने इसमें बाखड़ बड़ी डाल देंगे, आंच को लो मीडियम रखना। देखो आंच को लो मीडियम पे रख के ये अपनी बड़ी फ्राई हो रही है। बाखड़ बड़ी को फ्राई होने में अपने को 5-7 मिनट लग सकते हैं, हल्का ब्राउन होने में। ये देखो अपनी बाखड़ बड़ी फ्राई होके बिल्कुल तैयार होगी। अब इसको अपने एक प्लेट में निकाल लेंगे, ऐसे ही हल्के ब्राउन हो जाने के बाद ही निकालने आते। ये देखो अब इसको अपने कढ़ाई में से निकाल लेते। देखो जी अपनी बाखड़ बड़ी तैयार हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक व शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।